अभी खोलो, अभी खोलो, खोलो बेटा खोलो। ये इंसान का ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों आज 29 सितंबर है और शहाब भाई को आज घर से निकले हुए माशाल्लाह पूरे 3 महीने मुकम्मल होने वाले हैं, यानी 120 दिन आज पूरे कंप्लीट होने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें हम बात करेंगे शहाब भाई के आज पूरे दिन की लोकेशन की, कि शहाब भाई ने कितना सफर किया है और रात को कहां पर जाकर रुके और अभी इस टाइम शहाब भाई किस जगह पर है, कि आज पाकिस्तान के अंदर एंटर होने वाले। तो इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल से बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। और शहाब साहब के साथ में आखिर कौन लोग वाघा बॉर्डर तक जाने वाले हैं, इंशाल्लाह आज की वीडियो में तो मैं आपको क्लियर बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप क्लियर देखें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो में बहुत पहले यानी बहुत सुबह आज उठकर बना रहा हूं, बहुत जल्द इंशाल्लाह वीडियो बना रहा हूं, कन्फर्म लोकेशन लाइव अपडेट देने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई भी और वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी इस वीडियो में मैं आपको पूरी कन्फर्म जानकारी एक एक बात करके पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि शहाब भाई किस जगह पर हैं। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने शहाब साहब को जो कि कुल सफर केरला से, केरला के मलमपुरम से सफर तय करना है मक्का मदीना हज के लिए, जो कि 8,640 किलोमीटर का सफर करना है अपने शहाब साहब ने, उसमें से लगभग 3,350 से 3,400 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। तो दोस्तों और 3 महीने में शहाब भाई ने इतना सफर तय किया है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि शहाब साहब को आखिर 4 से 5 महीने और सफर करने में लगेंगे अगर शहाब भाई ने आराम से सफर किया तो। दोस्तों बात करते हैं कि शहाब भाई आखिर किस जगह पर हैं। तो मेरे दोस्तों अभी शहाब साहब की लोकेशन है कि शहाब भाई पंजाब राज्य के अमृतसर जिले के, फिर आप कहोगे अब भाई बार बार एक ही जगह की लोकेशन बताते हो। दोस्तों उससे पहले आप वीडियो को पूरा देखें, कन्फर्म जानकारी सुन ले कि जब शहाब भाई यहां से चले ही नहीं, जैसे शहाब भाई वहां पर 5 दिन रुके थे जो कि तरन तारण शहर के अंदर, वहां पर कई भाइयों ने कमेंट किए थे यार भाई आप एक ही एक जगह की लोकेशन बताते हो, तो दोस्तों आप ये बताओ मेरे को कि शहाब भाई जब वहां से चले नहीं, मैं आपको ऐसे मन से कैसे बना के कह सकता हूं कि भाई शहाब भाई तो पाकिस्तान बॉर्डर पहुंच गए, पाकिस्तान के अंदर एंटर हो गए और वो पाकिस्तान में अभी सफर कर रहे हैं। तो दोस्तों गुनहगार में हुआ और आप लोग गुमराह होते हो, यानी आप लोग सही जानकारी मानते हो कि हाँ भाई शहाब भाई के लिए सही जानकारी बता रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम आपको एक भी खबर, एक भी जानकारी इस चैनल पर झूठी नहीं देते, फेक न्यूज नहीं देते, इंशाअल्लाह आपको पूरी पूरी लोकेशन देने की कोशिश करते। जो भी शहाब भाई से मिलना चाहता है, जो भी 10-20-50 किलोमीटर के वहां से एरिया में हो, वो शहाब भाई से जाकर मिल सकते हैं। जैसे कि शहाब भाई पंजाब राज्य के अमृतसर जिले के अंदर खासा गांव के अंदर आफिया किड्स स्कूल में अभी भी ठहरे हुए हैं। यहां से शहाब भाई ने रात को सफर शुरू नहीं किया है। बात आती है आज पूरे दिन के लोकेशन की, कि अभी इंशाल्लाह आज शहाब भाई सफर यहां से शुरू नहीं करेंगे, इंशाल्लाह शहाब भाई का आज का कयाम भी इसी जगह पर है। टीम के 2 से 3 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, 5 बंदे हैं जो केरला से हैं, वो केरला यानी केरला गए हुए हैं। तो दोस्तों देखते हैं वो एक दिन में, 2 दिन में, एक दिन में वापसी आते हैं, लौटते हैं। तो इसी तरह से इंशाल्लाह शहाब भाई यहां से निकलने की कोशिश करेंगे, और जब भी शहाब भाई वाघा बॉर्डर के अंदर पाकिस्तान के अंदर इंटर होंगे, इंशाल्लाह मैं आपको वो वीडियो भी दिखलाऊंगा और आपको करंट लोकेशन दूंगा। तो आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। तो दोस्तों बात आती है कि पाकिस्तान के अंदर जब शहाब भाई निकल जाएंगे, चले जाएंगे, वाघा बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे, तो वहां की लोकेशन कहां, इंशाल्लाह आपको इसी चैनल पर 2023 तक की शहाब भाई की पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब पूरे लोकेशन आपको देखने को मिलती रहेंगी। आप टेंशन ना लें और इंशाअल्लाह आपको बिल्कुल परफेक्ट और सही जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। अगर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों अभी भी आपका कोई डाउट हो, अगर आप कोई कंफ्यूज हो, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं आपको पूरी तरह से रिप्ले करने की कोशिश करूंगा। फिर से सुन लीजिए यार, 29 सितंबर है और आज शहाब भाई को पूरे 3 महीने 120 दिन कंप्लीट होने वाले हैं। जैसे कि शहाब भाई अभी पंजाब राज्य के अमृतसर जिले के अंदर जो कि आफिया खासा गांव के अंदर आफिया किड्स स्कूल है, वहां पर जाकर ठहरे हुए हैं। अगर किसी भाई को जाकर मिलना है तो इंशाअल्लाह शहाब भाई से जाकर मिल सकते हैं, दुआ सलाम कर सकते हैं, दुआ की दरखास्त कर सकते हैं। वैसे तो शहाब भाई सभी लोगों के लिए दुआ करते हैं, जाहिर सी बात है आप भी शहाब भाई के लिए दुआ जरूर करें, और दोस्तों हमारे लिए भी दुआ करें इंशाअल्लाह कि हमारा पासपोर्ट वीजा बहुत जल्द बन जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए, इंशाअल्लाह हम भी शहाब भाई के साथ में ईरान
ईरान इराक तक जाने की कोशिश करेंगे और आपको पूरी तरह से लाइव वीडियो दिखाते रहेंगे। मिलते हैं शिहाब भाई की न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।